अगर आपका लैपटॉप स्लो चल रहा है या फिर बार बार उसमें एरर आ रहा है या फिर आपका लैपटॉप बार बार रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कहने का मतलब पहले ऑफ हो जाता है फिर आपका अपने आप ही ऑन हो जाता है, या फिर आपका लैपटॉप है आप कोई काम करते हैं इसी के साथ में वो लैपटॉप चलते चलते एकदम रुक सा जाता है, इसी के साथ में अगर आपका लैपटॉप पर किसी तरीके के एरर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। के साथ में जो आपका लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी चलने लगा है, तो किस तरीके से अपने लैपटॉप को फास्ट करना है तो चलिए जान लेते हैं। तो जो आपका लैपटॉप पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर ये एरर आ रहा है तो इस तरीके के जो एरर हैं वो कब आते हैं, जैसे कि अगर आपकी यहाँ पर जो सी ड्राइव है वो फुल हो जाती है, या फिर आपके लैपटॉप में बहुत सारी स्कीप जो फाइल है वो जमा हो जाती हैं, ठीक है, तभी आपका लैपटॉप है वो यहाँ पर स्लो चलता है। तो इसके लिए हमने दिस पीसी पर सिंपली क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं सी ड्राइव यहां पर कितनी भरी हुई है, ठीक है, इसी के साथ में आपका जो पर्सनल डाटा है वो भी डिलीट नहीं होगा और आपका लैपटॉप भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा। तो मैंने यहां पर रिफ्रेश कर लिया है, रिफ्रेश करने के बाद मैं यहां पर सिंपली आपको दबाना है विंडोज आर, ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर विंडोज आर दबाता हूँ, यानी कि रन कमांड को यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर इसे मैं यहाँ से स्कीप यानी कि बैक कर देता हूँ, और उसके बाद में हम यहाँ पर लिख देते हैं टैम्प, ठीक है, तो मैं यहाँ पर टैम्प लिख देता हूँ। टैम्प लिखने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली ओके कर देना है, तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद कंटिन्यू पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने बहुत सारी स्कीप फाइल्स आ जाएंगी, इन्हें आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। जो भी फाइल्स है वो डिलीट नहीं हो रही है तो उसे आपको यहाँ पर स्कीप करते जाना है, तो चलिए मैं यहाँ पर स्कीप कर देता हूँ इसे, फिर स्कीप कर देता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर स्कीप करते जाएंगे और जो भी बेकार फाइल होगी वो आपकी डिलीट होती जाएंगी, कहने का मतलब आपका पर्सनल डाटा यहाँ पर डिलीट नहीं होगा, ना तो फोटो ना वीडियो और ना इसी के साथ में कोई भी फाइल्स वगैरह, ठीक है, ये स्कीप फाइल्स होती हैं वो जमा हो जाती हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर फिर से ट्राई करता हूँ और देखते हैं, तो यहाँ पर स्कीप का ही ऑप्शन आ रहा है, तो ये यहाँ पर डिलीट नहीं होंगी, ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पर स्कीप कर देते हैं, फिर स्कीप कर देते हैं और स्कीप कर देते हैं, उसके बाद में हम यहाँ से कट कर देते हैं, तो ये फाइल्स यहाँ पर डिलीट नहीं हो रही हैं, तो ये इन्हें छोड़ देना है हमें, ठीक है। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पर रन कमांड को ओपन करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली रन कमांड को फिर से ओपन करता हूँ, विंडोज आर को आपको फ्रेश करना है, उसके बाद में आपको लिखना है परसेंट टैम्प परसेंट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि परसेंट, उसके बाद में टैम्प, और फिर मैं यहाँ पर परसेंट का बटन है वो यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद में हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी जो कि हमारे लैपटॉप में बहुत सारी इसकी फाइल्स हैं, यानी कि बेफालतू की जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, तो इन्हें हमें यहाँ पर कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। तो चलिए मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है, उसके बाद में हमारे सामने आ जाता है जैसे कि कंटिन्यू स्कीप, तो मैं इसे यहाँ पर स्कीप कर दूँगा कि ये फाइल डिलीट नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ से स्कीप करके, और फिर उसके बाद में हमारे सामने एक और आ गई है, उसके बाद में फिर हम यहाँ पर स्कीप कर देंगे और फिर से हम स्कीप कर देंगे, तो हम यहाँ पर स्कीप करते जाएंगे अगर जो भी फाइल्स डिलीट नहीं हो, तो हमने यहाँ पर डिलीट कर दी हैं और ये सारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर डिलीट नहीं होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार फिर से सिलेक्ट करते हैं और डिलीट पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में अगर वो फाइल्स डिलीट हो जाती हैं तो कर देना है, नहीं होती हैं तो आपको रहने देना है, ठीक है, उसके बाद में विंडोज आर फिर दबाना है, फिर आपको यहाँ पर लिख देना है प्रीफिक्स, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रही है, तो आप यहाँ पर स्पेलिंग को देख लीजिएगा और आपको यहाँ पर लिख देना और आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देना है, उसके बाद में कंट्रोल ए से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, इतनी देख सकते हैं कितनी सारी जो कि इसकी फाइल्स हैं, मैंने यहाँ कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया है और डिलीट मैंने सिंपली क्लिक कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर यानी कि बार बार आती जाती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आपकी विंडो है वो अपडेट मांग रही है, ठीक है, इसी के साथ में अगर आपकी
जो कि कंप्यूटर में कुछ ऐसी वीडियोस हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हैं इंटरनेट से तो आ जाती हैं, तो आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। फिर बैक करने के बाद हम होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद में रिसाइकल बिन, ठीक है, इसे हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं रिसाइकल बिल में वो डाटा होता है जो कि आप यहाँ पर डिलीट कर देते हैं पर वो रिसाइकल बिल में जाके जमा हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम जो भी वीडियो या फिर फोटो डिलीट करते हैं वो पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता है, वो रिसाइकल बिन में जाके जमा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप रिसाइकल बिन की जो भी डाटा है वो यहाँ पर डिलीट करते हैं तो आपका जो लैपटॉप का स्पेस है यानी कि जो भी स्टोरेज है वो खाली हो जाती है और आपका लैपटॉप है वो फास्ट चलने लगता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो फाइल्स थी मैंने यहाँ पर डिलीट कर दी हैं, उसके बाद में आप इन्हें फिर से डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च बार में लिखूँगा नीचे स्टोरेज, ठीक है, तो मैं पहले तो यहाँ से कट करता हूँ, उसके बाद हम नीचे सर्च बार में लिखेंगे स्टोरेज, ये आपको और करना है। अब स्टोरेज में क्या क्या होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर स्टोरेज में किस तरीके से हम अपनी जो भी स्टोरेज है कंप्यूटर की या फिर लैपटॉप की तो उसे हम किस तरीके से खाली कर सकते हैं। आपको सर्च बार में लिखना था यहाँ पर स्टोरेज, मैंने यहाँ पर स्टोरेज लिख के सर्च कर दिया है, उसके बाद में ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसे आपको ऑफ ही रहने देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि टेम्पोरेरी फाइल्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये भी पता लग जाएगा कि आखिर जो हमारी स्टोरेज है वो कहाँ कितनी घिरी हुई है, ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल गया है यहाँ पर ये ऑन करने के लिए कर, अगर आप यहाँ पर ऑन कर देते हैं तो जो आपकी इसकी फाइल्स हैं ऐटोमेटो वो यहाँ पर आती रहेंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जो डाउनलोड्स फाइल होती हैं वो आप कितने दिन में ऐटोमेटो डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो डिलीट फाइल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 30 दिन या फिर नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 30 दिन सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो ऐसे में यह है कि जो हमारा लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चलने लगता है, बहुत सारी जमा हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेव कर देना है, सेव करने के बाद में आपको यहाँ पर देख लेना है कि आखिर कौन से कहाँ पर हमारी स्टोरेज ज़्यादा घिरी हुई है, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ऐप, तो मैं ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में आप सारे ऐप्स को यहाँ पर चेक करेंगे कि आखिर कौन सा ऐप्स है जिसे हम यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें जो स्टोरेज है वो बेफालतू की घिरी हुई है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आप उस ऐप को यहाँ पर हटा सकते हैं अपने सिस्टम से, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर उस ऐप के लिए हटा देता हूँ, जैसे कि मैं देख लेता हूँ कोई ऐप है कि नहीं है, ये तो मैं यूज ही करता हूँ, आप इसकी MB साइज देख सकते हैं कितना है, ठीक है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं ये, ठीक है, तो ये मैं नहीं चलाता हूँ तो इससे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इस पर सिंपली क्लिक करूँगा मैं यहाँ, उसके बाद में यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और हम यहाँ से अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया है, उसके बाद में हम बैक कर देते हैं और मैं सी ड्राइव को फिर से राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, उसके बाद में डिस्क क्लीनअप पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर जितने भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है इन्हें आपको सबको टिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबको टिक कर लेता हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पर ओके करेंगे और हम डिलीट फाइल्स इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपकी सी ड्राइव में इसकी फाइलें थी वो भी आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद में आपको स्किप कर देना है अगर नहीं हो रही है तो, ठीक है, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप PC की जो स्टोरेज है वो यहाँ पर खाली कर सकते हैं, यानी कुछ स्किप फाइल्स को डिलीट करके। इससे ये भी है कि आपका जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा, तो इस तरीके से अपने लैपटॉप PC को फास्ट कर सकते हैं। तो एक तो एक जेन्युइन तरीका है और इस तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
इसी के साथ में अपने लैपटॉप को यानी कि ऑफ करके दोबारा ऑन जरूर कर लें, फिर उसके बाद में आप अपने लैपटॉप को यूज करें, ठीक है, तो आपका लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।